नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 54E ऑक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, थंबनेल में देख चुके हैं कि ई ऑक्शन की डेट कंफर्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो डेट बताने वाले हैं लगभग वही हमारे लिए डेट होने वाली है ई ऑक्शन की। सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्री डीटीएस सेलर संबंधी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें जानकारी कुछ हटके चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को करें लाइक अपने दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि हमारे लिए जो है 54E ऑक्शन मई महीने में होने वाली थी, मई या जून महीने में जो हमारे लिए नए स्लॉट्स को ऐड किया गया था उसके लिए, लेकिन जो है ई ऑक्शन नहीं हो पाई थी। उसका मेन कारण था कोविड-19। लेकिन उसके बाद जब हम आपको बताते हैं, आप सब धीरे धीरे जो है नॉर्मली हो रहा है। हमने वीडियो में आपको कई वीडियो में बताया है कि जो है ई ऑक्शन अब हमारे लिए जुलाई के लास्ट या अगस्त की शुरुआत में होगी, तो ऐसी जो वही खबर सच साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्रसार भारती की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे लिए ई ऑक्शन 54E ऑक्शन जल्द ही की जाने वाली है। उन्होंने टाइम दिया है कि जुलाई के लास्ट या जो है अगस्त की शुरुआत में हमारे लिए 54E ऑक्शन की जाएगी। 5 स्लॉट के लिए 1 स्लॉट, लगभग 5 या 4 स्लॉट के लिए ही ई ऑक्शन होगी। 2 स्लॉट जो है रिजर्व रखे जाएंगे और इनमें जो भी हमारे लिए चैनल ऐड होगा वो हमारे लिए लगभग 15 अगस्त से ऐड किया जाएगा डीडी फ्री डिश पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो है डेट आप लोग कन्फर्म समझ लीजिए कि 15 अगस्त से हमारे लिए डीडी फ्री डिश पर नए चैनल्स ऐड होने वाले हैं और जो भी चैनल ऐड होगा वो आपको 31 मार्च 2022 तक प्रॉपरली देखने को मिलेगा। तो 54E ऑक्शन की डेट जुलाई लास्ट या अगस्त की शुरुआत है और जो भी चैनल उसमें ऐड होगा वो हमारे लिए 15 अगस्त को ऐड होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।